तो भाई 120 क्वेश्चन हमने टोटल जो है एक घंटे के अंदर कर लिए हैं जनरली होता है क्या है कि इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है ये हमारा 60 मिनट ही लेता है कंप्लीट होने में है ना अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है ना तो आप एक घंटे या सवा घंटे के अंदर पेपर खत्म करने के बाद में आराम से थोड़ी सी नींद ले सकते हैं ठीक है लेकिन तो मेरे तो कल तो 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 पढ़ते नहीं तो ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन जो है वो बच जाता है वो हमें देखना पड़ता है उसके लिए नींद नहीं लेनी होती ठीक है तो वो हम कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सत्तर अस्सी क्वेश्चन की जगह पूरे के पूरे सौ क्वेश्चन जो है उनको करके आ रहे हैं सॉरी एक सौ बीस क्वेश्चन करके आ रहे हैं ठीक है तो एक सौ बीस इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप वन हंड्रेड टेन प्लस को तो आराम से कर ही सकते हो ठीक है तो एक सौ दस क्वेश्चन से ज्यादा आपको करने का ट्राई करना चाहिए जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए कि भाई एक्यूरेसी हमारी बिल्कुल भी, भी नहीं है और हम बस सिर्फ करने के लिए करते जा रहे तो नॉट तो एट सर एक चीज पूछनी थी ये सेंटेंस से अरेंजिंग है इसमें तो बहुत ज्यादा मार्क्स जाता है जब हम इनको गलत करते हैं हा, हाँ हाँ वही नहीं दिक्कत हो जाती है

अगर एक घंटे में आपका तो वो पूरा का पूरा पेपर हो जा रहा है तो अब हमारे पास बचता है कितना तीन सेक्शंस बचते हैं आपने पहले जो क्वेश्चन के बाद अब आप क्या करेंगे अब सबसे पहले उठा लो कॉम्प्रीहेंशन ठीक है कॉम्प्रिहेंशन उठा सकते हो या फिर उठा लो स्पॉटिंग एरर्स ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कम टाइम कंज्यूमिंग है स्पॉटिंग एरर्स को उठाने के बाद में आपने कम से कम दस मिनट तो तो उसमें लग जाएगा उसको करने के बाद क्या होता है जब हम पहली बार करते हैं तो कई बार कई चीजें हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करती है ना? तो मान लीजिए चार पांच आपने कि भाई अब हम पैराग्राफ कर रहे हैं तो अगेन एक पैराग्राफ को पढ़ने में आपको तीन चार मिनट लग जाते हैं फिर उसके क्वेश्चन करने में तो भाई जनरली हमारे दो पैराग्राफ आ जाते हैं आजकल पांच पांच क्वेश्चन वाले या फिर एक पैराग्राफ आ गया दस क्वेश्चन वाला तो दो पैराग्राफ या एक पैराग्राफ को करने के लिए भी अगर दो पैराग्राफ है पांच पांच नंबर वाले और या फिर एक पैराग्राफ है टोटल दस क्वेश्चन वाला तो फिर आपको तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट तो आपको लग जाएंगे तो यहां पर हमारा आधा घंटा निकल जा अब उसके बाद क्या होता है आप दोबारा से स्पॉटिंग एरर्स या तो रिविजिट कर सकते हो या फिर अब आप डायरेक्ट आ जाओ सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर आए सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे आने के बाद आपको क्या करना है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे आने के बाद में आपको सिंपली ऑप्शन के हिसाब से जाना है ऑप्शन ए चेक किया B चेक किया सी किया डी किया आपको जो ऑप्शन आप का पहला वाला सेंटेंस चेक किया पी एस और आर तीन ऑप्शन तीन आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं तो आपने पी से चेक किया पी वाला सेंटेंस फिट हो रहा है कि नहीं दूसरा हो रहा है कि नहीं हो तीसरा हो रहा है कि नहीं हो रहा हमें पता चल जाता है कि भाई ये चीज फिट हो रही है कि नहीं हो रही फिर हम बाकी सिक्वेंशियल चीजों को फॉलो करते हैं कि सिक्वेंस एक के बाद एक जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं एक बार आप पूरा सेंटेंस अरेंजमेंट कर देंगे उसके बाद आप अगर टाइम है तो उसको दोबारा रिविजिट कर लीजिए और आप फिर आप बाकी को जो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं अगर टाइम कम है तो फिर आप क्या करोगे कि आपने ऑप्शन चेक किया आपको दूसरा या तीसरा ऑप्शन क्लिक कर गया तो आप चौथे पर मत जाओ है ना आपको वो सबसे सही लग रहा था उसी को चेक कर दो लेकिन फिर भी हमारे पास लास्ट में दस पंद्रह मिनट बचते हैं तो हम दोबारा से उसको रिविजिट करेंगे और फिर हम चेक कर लेंगे फिर हम स्पॉटिंग एयर पे जाएंगे जो बस बचे हुए हैं उनको करने का ट्राई करेंगे और फिर बाकी पेपर में भी हमारे अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो आखिरी के मिनट जो बचे हुए हैं उसमें टाइम देके हम उनको भी दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सर हाँ सर एक था कि को बताया ना ये मीनिंग पूछते हैं कि उधर क्या कहना चाहते हैं उधर क्या कर रहे हैं ये बड़ा थोड़ा बस कल्पी देखो वो रीडिंग स्किल्स से आता है हम जितनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाते हैं ना वैसे वैसे हमें चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होने लगती है हम रीडिंग स्किल्स नहीं बढ़ाते हैं तो हमें चीजों के बारे में कंटेक्शुअल मीनिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी हम सिर्फ वो सामने है वही पढ़ पाएंगे जो इम्प्लाइड है वो नहीं पढ़ पाएंगे तो जो इम्प्लायड है वो पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपके सामने जो पैराग्राफ है आप सिर्फ उसी को पढ़ रहे हो बल्कि उसके साथ साथ जो चीजें उससे उसके अंदर से जो मीनिंग आ सकती है वो भी पढ़ना जरूरी है तो वो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से ही आता है अभी ऐसे पैराग्राफ्स और आगे आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वॉट में दिक्कत आ जाती मीनिंग क्या पूछा है

तो उसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस अभी पढ़ाओगे उतना ही आपको तो फायदा होगा देखो तो इंग्लिश और मैथ सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है इसमें अगर कोई मुझसे कुछ कहता है तो मैं सिर्फ यही बात बोलूंगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस क्योंकि उसके अलावा कुछ और बोलने के लिए है ही नहीं है ना yes. इसमें आपकी बहुत कुछ बहुत तकड़ी स्ट्रेटेजी नहीं लगती जी की तरह है आपको कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ता जो चीज सामने है वही है और वो किसके बेसिस पे होता है कि भाई जितना आपने पढ़ा है कितना आपने पढ़ा है कितनी तेजी से आप पढ़ सकते हैं कितनी तेजी से आप चीजों को दिमाग में रख सकते हैं इट्स ऑल अबाउट दैट ऑन ठीक है यस सर ठीक है तो कल हम 2015 के सेकंड वाले को करेंगे ठीक आप लोग पढ़ के आइएगा यू ऑल